अरे बेटा एक चक्कर एमजीआर ले, पेड़ पे चलता है, पेड़ के ऊपर ही रहता है पेड़। इसका नाम क्या है? ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक। देख रहे हो ना, ब्रॉन्ज जैसा होता है ना, खातू ब्रॉन्ज की तरह इसका कलर है ना, सुनहरा चमक रहा है, इसीलिए इसका जहरीला नहीं, जहर नहीं है इसमें। हम लोग सकते हैं, वो बता रहे हैं, हम लोग सकते हैं। कटवा के चक्का जहर हट नहीं है। पूछिए राहुल भाई, जहर है इसमें? ये कुछ खाया है, देख रहे हो ना, पेट में या तो छिपकली खाया है, तो कोई चीज चिड़िया उड़िया खाया है पेड़ के ऊपर। और देखो कैसे वो पचा रहा है, वो खाया था, वो भागने अमर सुंदर, देखो कितना जब वो सांस, उसको पकड़ सकते हैं हम लोग, सांस लेता तो ब्लू होता है, पकड़ सकते हैं, छोड़ता तो फिर से वापस पकड़ सकते हैं उसको। पकड़ोगे क्यों, पकड़ोगे काट लेगा। एक मिनट, देखिए जो स्नेक है जिसको हम लोग ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक कहते हैं, काफ़ी सुंदर सांप है ये, अधिकतर पेड़ पे ही अपना जीवन बिताता है और ये काफ़ी रेयर सांप है। हमें ऐसे सांपों को कभी मानना नहीं चाहिए क्योंकि ये जहरीले बिल्कुल भी नहीं होते, और इनसे जो है जो पेड़ों पे छिपकली और ये सब चिड़िया उड़े रहते हैं उन्हीं को खा के ये अपना सर्वाइव करता है। इसलिए चलिए अभी देखिए हम इसको पेड़ पे छोड़ते हैं कैसे ये पेड़ पे चढ़ता है। कैसे ये अपने आप कलर बदल रहा है, कहीं ब्लू हो जा रहा है, काटता भी ये है, बहुत तेज है कि जहाँ इसको आप डिस्टर्ब करेंगे देखिए कैसे कर रहा है, ये देखिए। बाकी देखिए सांस जैसे जैसे छोड़ रहा है कलर इसका बदल रहा है, वो हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग पेड़ वाला सांप कहते हैं। देखिए कितना तेज काट रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ दिया जाए, ये देखिए चढ़ रहा है। Boop, 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 boop.